देखो जरा कैसे करेंगे, सेपरेटली डिवाइड करेंगे। करो सेपरेटली डिवाइड, टू अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस थ्री साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स। हो गया यहां तक सबका? ठीक है, ये क्या बनेगा? टू इंटू सेकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस माइनस, बताओ इसको क्या लिखेंगे? थ्री साइन एक्स अपॉन, इस कॉस स्क्वेयर को सेपरेट कर देंगे, कॉस एक्स इन टू कॉस एक्स, क्या बन जाएगा? दिस इज इक्वल टू टू इंटू सेकेंड स्क्वेयर एक्स। सेकेंड टर्म क्या बनेगी बताओ जरा? ये साइन और कॉस मिलके क्या बना देंगे? टेंजेंट। थ्री टेन एक्स और ये अपॉन में कॉस है, इसको क्या लिख देंगे? सीकेंट एक्स। समझ आया? अब बताओ इसका इंटीग्रेशन। टू इंटू सीकेंट स्क्वेयर एक्स, टू मल्टीप्लाई में एज इट इज रहेगा, सीकेंट स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? टेन एक्स। टू टेन एक्स माइनस थ्री सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? सीकेंट एक्स। क्या आ जाएगा? सीकेंट एक्स प्लस सी, ये इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। देखो बच्चों जरा क्वेश्चन नंबर 21। इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स डीएक्स, बताओ क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं? रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं? एक्स टू द पावर हाफ प्लस वन अपॉन रूट एक्स को भी क्या लिख सकते हैं? एक्स टू द पावर माइनस हाफ, एक्स टू द पावर माइनस हाफ। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? एक्स टू द पावर हाफ का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर थ्री बाई टू, डिवाइडेड बाय थ्री बाई टू करेंगे वो क्या हो जाएगा? टू बाई थ्री प्लस इसका इंटीग्रेशन बताओ, पावर वन ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? एक्स टू द पावर हाफ में वन ऐड करेंगे, हाफ में माइनस हाफ में वन ऐड करेंगे तो क्या बचेगा? हाफ। डिवाइडेड बाय हाफ करेंगे टू हो जाएगा, प्लस में क्या लिखेंगे? सी, राइट। छोटे छोटे इंटीग्रेशन है। नेक्स्ट नेक्स्ट बताओ 22nd। देखो बच्चों 22nd में क्या है? 22nd में हमें गिवन है d by dx of fx, d by dx of fx यानी कि डेरिवेटिव ऑफ fx, ये हमें गिवन है। क्या गिवन है? इसकी वैल्यू 4x क्यूब, 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन 3 अपॉन एक्स टू द पावर 4, राइट। ये हमें गिवन है। क्या करेंगे? फाइंड क्या करना है हमें? एफ एक्स फाइंड करना है, और साथ में एक और इंफॉर्मेशन भी हमें गिवन है। वो इंफॉर्मेशन क्या है? एफ टू इज इक्वल टू जीरो गिवन है। एफ टू क्या गिवन है? जीरो के इक्वल गिवन है। ओके, एफ टू हमें गिवन है जीरो के इक्वल, एफ टू जीरो के इक्वल गिवन है। फाइंड क्या करना है? एफ एक्स फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ आ गया सब बच्चों को? बताओ कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो बच्चों, क्लास के बिगनिंग में ही हमने बात की थी कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट। सो यहां पर लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव का साइन है, अगर यहां पर हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये डी बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा। अगर हम बोथ साइड इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो लेफ्ट साइड में तो बच्चों ऐसे आएगा डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, राइट। तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं
एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। सो बोथ साइड अगर इंटीग्रेट किया जाए तो हमारे पास फंक्शन क्या बचेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू राइट साइड का इंटीग्रेशन एज इट इज रहेगा, 4x³ - 3/x⁴। करेक्ट, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके, सो व्हाट इज एफ एक्स, क्या होगा एफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको तो एज इट इज रखेंगे माइनस, और इसको क्या लिख लेंगे 3 × x⁻, नेक्स्ट टर्म जो हमारी है दिस, कर दें इंटीग्रेट। सो एफ एक्स इज इक्वल टू, बताओ इसका इंटीग्रेशन बताओ, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁴/⁴ - 3 × x⁻⁴, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, x⁻⁴ एक इंक्रीज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -3/-3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, सो एफ एक्स क्या बन गया बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू 4 से 4 को कैंसिल कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 को कैंसिल कर सकते हैं, क्या बचेगा x⁴ + 1/x³ + c। ये एफ एक्स की वैल्यू आ गई, क्या आ गई एफ एक्स की वैल्यू। साथ में हमें क्या गिवन है, एफ टू दिया हुआ है, क्या गिवन है एफ टू दिया हुआ है, राइट। सो एफ टू की वैल्यू 0 गिवन है, वो हमें बच्चों किस लिए गिवन है, सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए, किस लिए गिवन है सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। इसलिए हम क्या करेंगे, एक्स को 2 डाल देंगे अपने फंक्शन में, एक्स को क्या डाल दें हम 2, एफ टू इज इक्वल टू लेफ्ट साइड में 2 डाला है तो राइट में भी डालेंगे 16 + 1/8, एक्स की जगह क्या डाल दिया 2, 2 to the power 4 16 एंड 2 to the power 3 8 हो गया, प्लस में सी, समझ आया बच्चों। एफ टू की वैल्यू 0 गिवन है, एफ टू की वैल्यू क्या गिवन है 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में यहां पर एलसीएम ले लो, क्या बन जाएगा ये 129/8 प्लस सी, करेक्ट। सो सी की वैल्यू बच्चों यहां से क्या आ जाएगी -129/8, ओके -129/8। अब ये सी की वैल्यू हम कहां पुट कर दें, सी की वैल्यू हम अपने फंक्शन में पुट कर दें यहां पर, सो एफ एक्स देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू x⁴ + 1/x³ - 129/8, ये हमारा क्या बन गया फंक्शन। ठीक है, चलें आगे। सो बच्चों ये एक्सरसाइज खत्म हो गई आपकी, बट इंटीग्रेशन को बच्चों कई बार करना पड़ेगा, आपको एक बार करने से तो नहीं होगा, 2 से 3 बार हर एक्सरसाइज रिपीट होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास कुछ मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन है बच्चों, ठीक है, देखो पहला मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, किसी एक पर्टिकुलर टर्म को सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, देखो जरा ये एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्सरसाइज 7.2 निकालो बच्चों, इसमें कुछ फॉर्मूले भी हैं जो हम एक दो क्वेश्चन करने के बाद करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों एक्सरसाइज 7.2, आपको इंटीग्रेट करना है 2x/1 + x²dx, इसको इंटीग्रेट करना है। यहां पर आपको क्या देखना है बच्चों, 1 + x², आप एक बात बताओ मुझे 1 + x² का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 + x² का डेरिवेटिव बच्चों 1 + x² को डिफरेंशिएट करके देखो d/dx ऑफ 1 + x² क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 होगा और x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, यानी कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x के इक्वल होगा। सो आप न्यूमरेटर में देखिए, क्या न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, क्या 2x 1 + x² का डेरिवेटिव है, यस है ना,
सो ऐसे केसेस में बच्चों क्या करते हैं, जिस टर्म का डेरिवेटिव गिवन हो, ध्यान देना, जिस टर्म का डेरिवेटिव गिवन हो उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट। तो यहां पर हमें डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर का गिवन है, इसलिए हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या पुट करेंगे, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, टी के इक्वल, करेक्ट। ठीक है बच्चों, बताओ इसका डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ठीक है, दिस इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव क्या लिखोगे, बताओ टी का डेरिवेटिव डीटी बाई डीएक्स, ऐसा ही लिखते हैं ना, जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डीटी बाई डीएक्स लिखेंगे, बट यहां पर ऐसे नहीं लिखते। या आप ये समझिए, अगर मैं इस dx को लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये क्या हो गया, 2x into dx is equal to dt। यहां पर ऐसे लिखेंगे हम कि जिस टर्म का डिफरेंशियल कॉफिशियंट है, x का डिफरेंशियल कॉफिशियंट है dx, तो वो x की तरफ लिखना है, t का डिफरेंशियल कॉफिशियंट है वो t वाली साइड पे ही रखना है, ठीक है। तो यहां हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि 2x is equal to dt by dx, डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, देखो मैं दोबारा करके बताता हूं आपको, x 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किया तो वो क्या हो जाएगा 2x, साथ में इसका डिफरेंशियल कॉफिशियंट लिखना है dx is equal to t का डेरिवेटिव क्या होगा dt, यूजुअली हम जो लिखते हैं dt upon dx, समझो कि dx लेफ्ट में लिख दिया तो राइट साइड में सिर्फ क्या लिखा जाएगा dt, ओके okay, यहां तक कोई प्रॉब्लम है। इंटीग्रेशन को इन जनरल आई से डिनोट कर देते हैं, सो आई अब हमारा किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, हमारा जो इंटीग्रल था, मेन क्वेश्चन था आई, वो अब किस में कन्वर्ट हो गया, न्यूमरेटर में क्या है हमारे पास टर्म, देखो अच्छा इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं मैं, 2x dx, 2x dx इज इक्वल टू dt, 2x dx इज इक्वल टू dt, राइट। So, अब अपने न्यूमरेटर को देखो, न्यूमरेटर में क्या है 2x एंड dx, ये टर्म मिलके कंप्लीट क्या बन जाएगा dt बनेगा, सो आई क्या बन गया, I इज इक्वल टू dt अपॉन, इसको हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था बताओ जरा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t पुट किया था, राइट। नाउ दिस इंटीग्रेशन इज लाइक 1 अपॉन x dx, बताओ 1 अपॉन x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है log ऑफ मोड x, बताया था ना कि मोड लगाना नहीं भूलना है, सो 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू log ऑफ मोड x प्लस c। इसी टाइप से बच्चों 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए बताओ, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log ऑफ मोड t प्लस c, t क्वेश्चन में तो नहीं था ना, t हमने सब्स्टिट्यूट किया था इसलिए t को हम वापस रिप्लेस करेंगे, आई क्या आएगा देखो log ऑफ t के जगह अगेन क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप कहेंगे मैंने मोड क्यों हटा दिया, बच्चों मोड लगाया था उसको पॉजिटिव बनाने के लिए, t को पॉजिटिव बनाने के लिए, एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसको आप मोड के अंदर नहीं भी रखेंगे तब भी ठीक है क्योंकि वो पहले से ही पॉजिटिव है, राइट। सो ये आपका इंटीग्रेशन आ गया, गिवन फंक्शन का इंटीग्रेशन ये होगा, समझ आया। देखो एक क्वेश्चन और देखो, चलूं आगे, नोट डाउन करना है, ज्यादा है। सेकेंड क्वेश्चन को देखो, क्या है सेकेंड क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ आई से बिगनिंग में ही आई लिख लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ लॉग एक्स होल स्क्वायर, लॉग एक्स होल स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, ये है हमारा क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आपको ये देखना है कि डेरिवेटिव कौन सी टर्म का गिवन है, डेरिवेटिव कौन सी टर्म का गिवन है,
बताओ जरा डेरिवेटिव कौन से टर्म का गिवन है। अच्छा ये बताओ लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन एक्स, क्या यहां पर है वन अपॉन एक्स? यस। सो जिसका डेरिवेटिव गिवन हो उसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, क्या पुट करें, पुट लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, लॉग एक्स को क्या रख दें टी, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा वन अपॉन एक्स, एंड इसके साथ क्या लिखना है इसका डिफरेंशियल कॉफिशेंट दैट इज डी एक्स इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव क्या होगा डी टी, टी का डिफरेंशियल कॉफिशेंट क्या होगा डी टी, राइट बच्चों। आई इज इक्वल टू क्या बन गया अपना क्वेश्चन, लॉग एक्स को हमने टी लिया है क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, एंड बच्चों ये जो अपॉन में एक्स है और ये डी एक्स ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, देखो जरा यहां पर वन अपॉन एक्स और डीएक्स मिलके क्या बना रहे हैं डी टी, सो इसको आप वन अपॉन एक्स और डीएक्स को क्या लिख सकते हो डी टी लिख सकते हो, करेक्ट। बताओ टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, सॉरी टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी थ्री वाई थ्री प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, टी थ्री अपॉन थ्री प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहां पर टी की वैल्यू डाल दें, बताओ टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू हमने क्या टी किसको सब्स्टिट्यूट किया था लॉग एक्स को, सो लॉग एक्स होल क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री प्लस सी, ये आपका इंटीग्रेशन आ गया। गिवन फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग ऑफ एक्स होल क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री प्लस सी, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन, इंटीग्रेट इंटीग्रेट वन अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स डीएक्स। अब यहां पर आप अच्छे से देखो और मुझे बताओ कि कौन सी टर्म का डेरिवेटिव गिवन है, क्या किसी टर्म का डेरिवेटिव गिवन है, आपको अच्छे से देख के बताना है कि कौन से टर्म का डेरिवेटिव गिवन है, बता सकता है कोई बच्चा, बता सकता है, नहीं नहीं बता सकते, बता सकते हो ध्यान से देखो, चलो फिर बताओगे, ओके कोई बात नहीं, इधर आओ बच्चों, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट ऑफ इंटीग्रल ऑफ डिनोमिनेटर से एक्स को कॉमन लो, डिनोमिनेटर से अगर एक्स कॉमन लेते हैं तो क्या क्या लिखा जाएगा, ये यहां से एक्स को कॉमन ले लिया तो यहां वन आएगा, प्लस यहां से भी एक्स को कॉमन ले लिया तो क्या लिखा जाएगा लॉग ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब आप देखो क्या अब किसी का डिफ्रेंशिएशन दिखाई दे रहा है आपको, किसका लॉग एक्स का, रादर लॉग एक्स की बजाय हम ये कहें कि वन प्लस लॉग एक्स का, तो वो भी बात ठीक है, क्यों ठीक है कि अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वन प्लस लॉग एक्स, वन प्लस लॉग एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं टी, सो वन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जीरो, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा वन अपॉन एक्स इंटू लिखेंगे डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी, सो ये क्या बन गया, ये बन गया वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, क्या समझ आया आपको, ठीक है। सो हम अपने इंटीग्रेशन को अब क्या लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू, बताओ ये जो वन अपॉन एक्स और डीएक्स वाली टर्म है दोनों कंबाइन करके क्या बना रही हैं डी टी, सो इनको रिप्लेस कर देंगे हम डी टी से, और बच्चों इस कंप्लीट टर्म को आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया था टी, तो इसको लिखेंगे टी, राइट। आई इज इक्वल टू अब बताओ वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग टी, लॉग मॉड टी, मॉड मत भूलो बच्चों, लॉग मॉड टी प्लस सी, टी किसको सब्स्टिट्यूट किया था हमने, टी हमने पुट किया था किसको वन प्लस लॉग एक्स को, वन प्लस
लॉग एक्स प्लस सी, ठीक है। नोट लगा दो यहां पर, इजी। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। देखो जरा, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स, इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स, साइन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? फिर से बच्चों ये ढूंढने की कोशिश करो कि डेरिवेटिव किस टर्म का गिवन है। डेरिवेटिव किसका गिवन है? कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स होता है, माइनस माइनस साइन हम एडजस्ट कर लेंगे, वो इतना बड़ा इश्यू नहीं है। सो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन एक्स, राइट, माइनस साइन के साथ। इसलिए बच्चों हम क्या पुट करेंगे? पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। कॉस एक्स को क्या सब्सटीट्यूट करेंगे? टी के इक्वल। कॉस एक्स को क्या पुट करेंगे? टी के इक्वल। कॉस का डेरिवेटिव बताओ, माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी टी। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू बच्चों क्या आ गई? साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, करेक्ट। अब अपने क्वेश्चन को देखो विष्णु, साइन एक्स एंड ये डीएक्स, ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाएंगे? माइनस डी टी। ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाएंगे? माइनस डी टी। और हमने क्या सब्सटीट्यूट किया है? कॉस एक्स को सब्सटीट्यूट किया है, तो यहां पर कॉस एक्स को अगर हम टी डाल दें तो ये क्या बन गया? कॉस टी, साइन, सॉरी साइन टी, साइन टी। ये वाली जो टर्म है ये आपकी बन गई साइन टी, और ये साइन एक्स एंड डीएक्स मिलके क्या बन गए? माइनस डी टी। बच्चों माइनस साइन को हम इंटीग्रेशन के बाहर रखेंगे, ठीक है, माइनस साइन को हम कहां लगा देंगे? इंटीग्रेशन के बाहर। अब क्वेश्चन हमारा बन गया साइन एक्स डीएक्स, सॉरी साइन टी डी टी। क्या साइन का इंटीग्रेशन जानते हैं आप? बताओ साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन का इंटीग्रेशन होता है बच्चों माइनस कोस, ठीक है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस टी, नहीं एक्स नहीं, सॉरी यहां पर टी लिखेंगे, प्लस सी। सो आई क्या बन गया? माइनस माइनस प्लस कॉस टी प्लस सी। आई क्या हो गया? कॉस ऑफ टी, बताओ क्या है टी? क्या है? कॉस एक्स। टी है कॉस एक्स प्लस सी, ये आपका इंटीग्रेशन आ गया, करेक्ट। चलें आगे, नोट कर लिया सभी ने? कर लो नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर फाइव, इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, देखो बच्चों, बताओ किसका डेरिवेटिव गिवन है? डेरिवेटिव किसका गिवन है यहां पर? साइन का डेरिवेटिव गिवन है कॉस, या कॉस का डेरिवेटिव गिवन है साइन? दोनों का ही गिवन है, एक माइनस साइन का डिफरेंस है, माइनस साइन या कांस्टेंट नंबर एडजस्ट हो जाते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जो मेन फंक्शन है साइन का कॉस या कॉस का साइन, वो हमारा दोनों के लिए अवेलेबल है यहां पर। सो आप किसी को भी लोगे, दूसरे वाले का डेरिवेटिव है, बट मैं कहूंगा कि साइन को ले लो। क्यों? क्योंकि माइनस साइन नहीं आएगा, फिर माइनस
माइनस का साइन नहीं आएगा। सो आप क्या पुट करेंगे, पुट साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। बताओ साइन का डेरिवेटिव, बताओ साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, कॉस ऑफ, चेन रूल अप्लाई करेंगे, ए एक्स प्लस बी का भी डेरिवेटिव होगा, क्या होगा ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव होगा ए, तो इनटू में क्या लिखेंगे ए, इनटू में इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी लिखेंगे डीएक्स इक्वल टू, इक्वल्स टू टी का डेरिवेटिव क्या होगा डी टी, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू ए इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, राइट बच्चों। अच्छा एक बात बताओ, अब अपने गिवन फंक्शन में देखो, गिवन फंक्शन में यहां पर कॉस है, कॉस है, यस कॉस है, ये रहा, डीएक्स भी है, ये रहा, ए नहीं है, ए नहीं है ना, तो या तो आप ऐसा कर सकते हैं कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स दिस इज इक्वल टू डी टी अपॉन ए लिख सकते हो, ए को आपने राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। या आप ऐसा भी कर सकते थे, यहां पर ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते, ठीक है। चलो आगे, सो आई क्या बन गया, अब इंटीग्रल ऑफ, इसको हमने क्या अज्यूम किया था, इसको अज्यूम किया था टी कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, इसके जगह क्या लिख सकते हैं, इसके जगह लिख सकते हैं डी टी अपॉन ए, सो डी टी अपॉन ए कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट या माइनस साइन ये सब क्या करने चाहिए, इंटीग्रेशन से बाहर रख देने चाहिए, सो ए को आप इंटीग्रेशन से बाहर रख दीजिए वन बाई ए। अब ये हमारा फंक्शन बन गया, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन कौन बता सकता है, आई इज इक्वल टू वन बाई ए, टी का इंटीग्रेशन क्या होगा टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी, सो आई क्या बन गया, आई इज इक्वल टू वन बाई टू ए, टी क्या है, टी हमने किसको सब्सटीट्यूट किया था, साइन ऑफ दिस, क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये आंसर आ गया। लेकिन अगर आप बुक में पीछे देखेंगे तो बुक में ये आंसर नहीं है, ठीक है, उन्होंने एक डिफरेंट मेथड से इसको किया हुआ है, वो क्या है वो भी देख लेते हैं। देखो जरा, क्वेश्चन हमारा यही था आई इज इक्वल टू दिस, ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये था। बच्चों ऐसा एक काम करें, आई इज इक्वल टू, इसको हम टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, अगर इसको टू से मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे, टू ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, टू से मल्टीप्लाई किया है इसलिए टू से डिवाइड भी करना होगा, करेक्ट। आप सोच सकते हो कि टू से मल्टीप्लाई क्यों किया है, कौन सा फॉर्मूला, साइन टू ए, टू साइन ए कॉस ए, किसकी आइडेंटिटी होती है साइन टू ए, क्या होता है साइन टू ए, टू साइन ए कॉस ए को आप क्या लिख सकते हो साइन टू ए, दिस इज इक्वल टू वन बाई टू, टू साइन ए, ए इज दिस, ये ए है, टू कॉस ए क्या बनेगा साइन टू ए, साइन ऑफ टू ए, टू इंटू ए एक्स प्लस बी, टू इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, ठीक है, समझ आया, दिस इज इक्वल टू वन बाई टू, ओके। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो हम इंटीग्रेशन किसका जानते हैं, हम जानते हैं साइन एक्स का, मतलब यहां पर एक्स टाइप की चीज होनी चाहिए, एक्स टाइप की टर्म होनी चाहिए,
तभी हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है, बाकी तो हम नहीं कर सकते इंटीग्रेट। सो हमारे लिए ये प्रॉब्लम है कि टू ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसकी बजाय कोई सिंपल एक्स टी कुछ ऐसा होना चाहिए था, करेक्ट, इसलिए क्या करें, इसको टी पुट कर देते हैं, पुट टू इंटू ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू क्या टी, समझ आया आपको ये क्या होगा, डेरिवेटिव बताओ इसका, डेरिवेटिव क्या होगा, टू इंटू दिस टू इंटू, डेरिवेटिव क्या होगा इसका, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव, क्या होगा इसका डेरिवेटिव, ए ए बी का एक्स का हो जाएगा वन, बी का हो जाएगा जीरो, साथ में क्या लिखना है यहां पर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, सो फाइनली क्या बना ये टू ए, टू ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब यहां पर ध्यान से देखो अपने गिवन फंक्शन में, यहां डी एक्स है ओनली, टू ए नहीं है ना, तो dx को आप क्या लिख सकते हो dt अपॉन 2a, dx को क्या लिख सकते हो आप dt अपॉन 2a, समझ आया, अब हमारा फंक्शन बन गया 1 बाई टू साइन ऑफ, ये देखो ध्यान से यहां पर इसको हमने t पुट किया था और dx के जगह क्या लिखेंगे dt अपॉन 2a, तो 2a कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के अंदर नहीं लिखेंगे, कहां लिखेंगे, कहां लिखेंगे इसको, इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे, कांस्टेंट नंबर डिवाइड या मल्टीप्लाई में है तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख देना चाहिए, सो 1 बाई 2a क्या बन गया, ये आई हमारा बन गया 1 बाई 4a, बताओ साइन टी का इंटीग्रेशन, माइनस कॉस टी प्लस सी, सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस, टी की वैल्यू क्या है ट्वाइस ऑफ ट्वाइस ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई फोर ए प्लस, ये आपका इंटीग्रेशन आ गया, नाइस, करो कॉपी इसको, देखो जरा क्वेश्चन नंबर सिक्स को देखो, अब इसमें बताओ किसका डेरिवेटिव गिवन है, किसका डेरिवेटिव गिवन है, ए एक्स प्लस, बट ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव तो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा, सब्स्टिट्यूट तो कर ही सकते हैं, चलो भी आकाश की बात मान लेते हैं, क्या पुट कर दे, पुट कर देते हैं ए एक्स प्लस बी को टी पुट कर देते हैं, क्यों पुट कर देते हैं, ये आइडिया कहां से मिला हमें, आइडिया हमें मिला कि रूट के अंदर अगर x होता है तो हम इंटीग्रेशन करना जानते हैं, रूट के अंडर में अगर x होता है तो हम इंटीग्रेशन करना जानते हैं, लेकिन कोई और टर्म हो तो नहीं पता, इसलिए इसको सिंगल टर्म बनाने के लिए टी पुट कर लिया, राइट, ताकि रूट के अंदर में एक सिंगल टर्म आ जाए, बताओ इसका डेरिवेटिव ए इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या डी टी, ए का ए एज इट इज कॉन्स्टेंट है, x का डेरिवेटिव dx लिखेंगे साथ में, x का वन होता है साथ में लिखेंगे dx, और b कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव हो गया जीरो, सो dx की वैल्यू बच्चों यहां से क्या आ गई dt अपॉन a, dx की वैल्यू क्या आ गई dt अपॉन a, लिखो साथ साथ, हमना हमारा इंटीग्रेशन अब बन गया I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ बोलो रूट ऑफ टी इंटू डी टी अपॉन ए, डी टी अपॉन ए, ए को कहां लिखना है इंटीग्रेशन से बाहर, सो I हो गया बच्चों I इज इक्वल टू वन बाई ए इंटीग्रल ऑफ रूट टी, रूट टी को क्या लिखेंगे t टू द पावर हाफ इंटू डी टी, I इज इक्वल टू वन बाई ए टी टू द पावर हाफ, बताओ इसका इंटीग्रेशन टी टू द पावर थ्री बाई टू
डिवाइडेड बाय 3 बाय 2 जो क्या बन जाएगा प्लस सी। सो आई क्या आ गया 1 बाय ए 2 बाय 3 ए 2 बाय 3 ए इंटू पी की वैल्यू बताओ ए एक्स प्लस बी ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर कितनी 3 बाय 2 प्लस सी। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। सेवेंथ क्वेश्चन देखो जरा सेवेंथ क्वेश्चन को बताओ इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे किसका डेरिवेटिव गया गिवन है कौन बताएगा। यस अभी अभी डिस्कस हुआ था कि रूट के अंदर में अगर बाइनोमियल ट्राइनोमियल हो तो हमें इंटीग्रेशन करना नहीं आता। रूट के अंदर अगर मोनोमियल है सिंगल टर्म है तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। हमें यह नहीं पता कि रूट के अंदर x प्लस टू है तो इंटीग्रेशन कैसे होगा लेकिन हमें यह पता है कि रूट के अंदर x हो तो इंटीग्रेशन कैसे होगा। ठीक है सेम हम वही चीज अप्लाई करेंगे x प्लस टू को क्या पुट कर ले t। डेरिवेटिव क्या हो गया इसका बताओ x का डेरिवेटिव dx 2 का डेरिवेटिव 0 तो कोई फायदा नहीं प्लस में 0 लिखने का। ठीक है दिस इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव dt मतलब dx के जगह तो आपको क्या लिखना है dt लिखना है dx के जगह क्या लिखना है dt। अच्छा ये बताओ i इज इक्वल टू दिस अब x के जगह क्या लिखें x की वैल्यू बच्चों आपको यहां से फाइंड करनी होगी x क्या होगा t माइनस टू x को क्या लिखोगे t माइनस टू। सो x के जगह लिखना है आपको t माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू का रूट x प्लस टू को हमने t सब्स्टिट्यूट किया हुआ है तो ये क्या हो गया t और dx के जगह क्या लिखना है dt dx के जगह क्या लिखना है dt। सो i इज इक्वल टू बताओ इसका इंटीग्रेशन t इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो t के साथ रूट t मल्टीप्लाई होगा तो t की पावर क्या बन जाएगी 3 बाय 2 माइनस 2 t टू द पावर क्या होगी हाफ। ये समझ आया 2 के साथ रूट t मल्टीप्लाई हुआ रूट t क्या होता है हाफ पावर रूट क्या होता है हाफ पावर तो रूट t का मतलब t टू द पावर हाफ। क्या होगा अब इसका इंटीग्रेशन बोलो t टू द पावर 3 बाय 2 का इंटीग्रेशन बताओ 3 बाय 2 में 1 ऐड कर देंगे क्या बन जाएगा 5 बाय 2 सर t टू द पावर 5 बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 पाई बाय 2 जो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 बाय 5 माइनस 2 t टू द पावर पावर एक इंक्रीज करेंगे हाफ पावर पहले से है एक इंक्रीज करेंगे क्या बन जाएगी 3 बाय 2 पावर हो जाएगी 3 बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 बाय 2 करेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा 2 बाय 3 प्लस में क्या लिखेंगे c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है चलें आगे ओके i इज इक्वल टू सो बच्चों i क्या आ गया i इज इक्वल टू देखो आप यहां से 2 कॉमन ले सकते हो या तो आप t की वैल्यू डाल दो यहां पर t की वैल्यू डाल दो हो सकता आंसर डायरेक्ट ऐसे ही दिया हो जैसे t की वैल्यू डाल दी आपने या हो सकता वहां कुछ कॉमन ले रखा हो अगर ऐसे ही दिया तब तो t की वैल्यू डाल दो आंसर आ जाएगा लेकिन अगर कुछ कॉमन लिया हुआ है तो देखो यहां से कॉमन क्या आ सकता है 2 कॉमन आ सकता है और t टू द पावर 3 बाय 2 भी कॉमन आ सकता है 2 कॉमन आ सकता है t टू द पावर 3 बाय 2 भी कॉमन आ सकता है। अब अगर फर्स्ट टर्म में से हमने ये कॉमन ले लिया 2 कॉमन ले लिया ठीक है तो यहां क्या बचेगा 1 बाई 5 t की कितनी पावर कॉमन आ गई 3 बाय 2 कितनी पावर थी हमारे पास 2 एंड हाफ पावर थी उसमें से 1 एंड हाफ पावर कॉमन आ गई बचा क्या अंदर 1 पावर अंदर क्या बचेगा t टू द पावर 1 यानी कि t माइनस यहां से आप 2 कॉमन ले चुके हो तो क्या बाकी बचेगा 2 बाई 3 और t की पावर 3 बाई 2 तो आप कॉमन ले ही चुके हो प्लस सी दिस इज इक्वल टू 2 t की वैल्यू डाल दें हम यहां पर बताओ t की वैल्यू क्या है x प्लस 2 टू द पावर 3 बाई 2
इंटू वन बाई फाइव टी इज वट एक्स प्लस टू माइनस टू बाई थ्री प्लस सी। कुछ नहीं किया, जस्ट टी की वैल्यू पुट की है, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलें आगे। एट क्वेश्चन, बताओ क्या सब्स्टिट्यूट करें, क्या सब्स्टिट्यूट करें। हाँ, हम वन प्लस टू एक्स स्क्वायर को पुट करेंगे, वन प्लस टू एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू टी। वन का डेरिवेटिव जीरो, टू इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फिर से टू एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स दिस इज इक्वल टू डी टी। सो बच्चों देखो जरा, यहां पर हमारे पास x है, dx भी है और कोई कांस्टेंट नंबर वगैरह तो कुछ नहीं है, इसलिए हम यहां से x dx की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x dx की वैल्यू क्या आ गई, dt अपॉन 4। कोई प्रॉब्लम, x dx की वैल्यू क्या आ गई, dt अपॉन 4। एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई डी टी अपॉन 4। क्या करें, आई क्या बनेगा, आई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स, इसको तो डी टी अपॉन 4 लिख देंगे, और इसको हमने 1 प्लस टू एक्स स्क्वायर को क्या पुट किया था, टी, ठीक है, तो ये हो गया रूट टी एंड दिस इज डी टी अपॉन 4। सो 4 को कहां लिखेंगे बच्चे, इंटीग्रेशन से बाहर लिखेंगे, I इज इक्वल टू 1/4। बताओ रूट टी का इंटीग्रेशन, टी टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 जो क्या बन जाएगा 2/3 प्लस सी। सो आई क्या आ गया, बताओ आई क्या आया, कट कर सकते हो इस 2 को, 1/6 टी, टी की वैल्यू बोलो 1 प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, और रेज टू पावर क्या है यहां पर 3/2, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 4x प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स, ठीक है, बताओ कैसे करेंगे, सोच के बताओ। डेरिवेटिव किसका गिवन है, किसी टर्म का डेरिवेटिव गिवन है क्या यहां पर, क्या किसी टर्म का डेरिवेटिव गिवन है, नहीं, ध्यान से देखो इसको, आई इज इक्वल टू यहां से 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 2x प्लस 1, ये 2x प्लस 1 किसका डेरिवेटिव होता है, एक्स स्क्वायर प्लस दिस, इसका डेरिवेटिव है, जो आगे टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसका डेरिवेटिव है। सो क्या कर दें, क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, किसको पुट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को हम टी पुट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को क्या पुट कर सकते हैं, टी। क्या हो गया इसका डेरिवेटिव, बताओ इसका डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स का डेरिवेटिव 1, बस आगे 1 का 0 हो जाएगा, इंटू क्या लिखेंगे, होल के इंटू डी एक्स लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू डी टी। क्या बन गया, ये बन गया 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, किसके इक्वल है बच्चों, डी टी के इक्वल है, 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स किसके इक्वल है, डी टी के इक्वल है। सो आई क्या आ गया बताओ जरा, आई इज इक्वल टू 2 इंटू ये 2x प्लस 1 और डी एक्स, ये कंबाइन करके दोनों टर्म क्या बन जाएंगे, डी टी बन जाएंगे,
2x plus 1 into dx को तो क्या लिखेंगे इकट्ठा, dt लिख देंगे। एंड बच्चों x square plus x plus 1 इसको हमने t पुट किया था, तो ये हो गया root of t, और बाकी दोनों टर्म किस में कन्वर्ट हो गई, dt में। सो I इज इक्वल टू 2 इंटू root t इज वाट, t टू द पावर 1 बाई 2, t टू द पावर 1 बाई 2 dt, 2 t टू द पावर हाफ, t टू द पावर हाफ t टू द पावर हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन क्या कर सकते हैं, t टू द पावर 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 बाई 2 प्लस c, जो क्या बन जाएगा, ये 2 बाई 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 बाई 3। t की वैल्यू बताओ जरा मुझे, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 रेज टू पावर कितना, 3 बाई 2 प्लस c, ये आपका आंसर आएगा। सो इंटीग्रेशन इतना ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, है ना, इंटीग्रेशन इतना ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, हाँ बट प्रैक्टिस अच्छी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है, सोचना पड़ता है कि क्या अप्लाई करना है, कैलकुलेशन वगैरह कोई इसमें बहुत ऐसी होती नहीं है डिफिकल्ट। चलो बताओ कौन बता रहा है, नीचे कमेंट में भी लिख के बता सकते हो आप, है ना, कमेंट में भी लिख के बता सकते हो। स्लिप पे लिखा और आगे पकड़ा दी, बताओ I इज इक्वल टू दिस क्या करेंगे, बताओ कैसे करेंगे, कोई तो बताओ, इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन, अच्छा एक बार बताओ नीचे क्या है डिनोमिनेटर में, x माइनस रूट एक्स है, इसको आप ऐसा लिख सकते हो रूट एक्स का स्क्वायर माइनस रूट एक्स लिख सकते हैं, और यहां से हम रूट एक्स अगर कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, यहां पर रूट एक्स, यहां पर क्या बचेगा वन, तो डिनोमिनेटर को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, कैसे, रूट एक्स इंटू ब्रैकेट में रूट ऑफ एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स, समझ आया, देखो जरा अब बताओ किसका डेरिवेटिव गिवन है, किसका डेरिवेटिव गिवन है, क्या किसी का डेरिवेटिव गिवन है, यस रूट एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव गिवन है, किसको सब्स्टिट्यूट करोगे, रूट एक्स माइनस वन को टी पुट करोगे, रूट एक्स माइनस वन को टी पुट करेंगे, अगर इसको टी पुट करते हैं तो रूट एक्स का डेरिवेटिव बताओ, वन बाय टू एक्स टू द पावर माइनस हाफ, क्योंकि रूट रूट का मतलब होता हाफ पावर, इसका डेरिवेटिव करेंगे पावर आगे आ गई, पावर एक कम हो गई, इंटू डी एक्स, इंटू क्या लिखेंगे डी एक्स, और माइनस वन इसलिए नहीं लिखा कि माइनस में वन, माइनस वन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जीरो, सो माइनस में जीरो लिखने का तो इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं है, दिस इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव बताइए डी टी, राइट, एक्स टू द पावर माइनस हाफ इसको क्या लिखेंगे वन अपॉन रूट एक्स, क्या लिखेंगे रूट एक्स, एक्स टू द पावर माइनस हाफ को क्या लिख दिया रूट एक्स इंटू डी एक्स, और टू का क्या होगा, टू को हम राइट में मल्टीप्लाई कर देंगे डी टी के साथ, तो टू क्या बन गया टू, ये राइट साइड में बन गया टू डी टी, बताओ क्लियर है ये साइरा प्रॉब्लम बेटा, ठीक है, वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टू डी टी। अब जो ये वन अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स, इस कंप्लीट के जगह क्या लिख सकते हैं हम, टू डी टी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसके जगह टू डी टी, इसलिए हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा टू डी टी। अच्छा ये जो टर्म है रूट एक्स माइनस वन, इसका हमने क्या लिया है टी लिया है, तो ये तो वन अपॉन टी ही रहेगा, और बाकी सर्कल वाली तीनों टर्म क्या बन गई टू डी टी, तो डी टी तो मैं यहां लिख रहा हूं और टू को मैं लिख रहा हूं इंटीग्रेशन से बाहर,
डीटी को तो मैंने अंदर इंटीग्रेशन के अंदर लिखा और टू को कहां लिख दिया, बाहर। अब बताओ वन अपॉन टू इंटू वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन बताओ, लॉग ऑफ मॉड टी प्लस सी, लॉग ऑफ मॉड टी प्लस सी। सो आई इज इक्वल टू टू लॉग ऑफ मॉड मॉड टी, टी की वैल्यू बताओ कितनी है, रूट एक्स माइनस वन प्लस सी, ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। देखो जरा इलेवेंथ क्वेश्चन क्या करें इसमें, कौन बताएगा, बोलो बच्चों। नहीं, कौन बताएगा बच्चों, हमारे पास ऐसे दो, पहले ऐसे दो क्वेश्चन आ चुके हैं, सोच के देखो कौन से दो क्वेश्चन, ऐसे ही दो क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, कौन से दो, जब रूट के अंदर अंदर में क्या थी, लीनियर टर्म, रूट के अंदर लीनियर टर्म थी, ए एक्स प्लस बी क्वेश्चन नंबर सिक्स में, क्वेश्चन नंबर सेवन में एक्स प्लस टू, ठीक है, दोनों क्वेश्चन इसी के इसी कैटेगरी के थे, यहां पर भी वही है। सो क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे हम x प्लस फोर को, क्या पुट करेंगे, t के इक्वल पुट करेंगे, x प्लस फोर को क्या पुट करेंगे, t के इक्वल। सो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dx, वन इंटू डी एक्स, फोर का डेरिवेटिव जीरो होगा, उसको हम लिखेंगे नहीं, t का डेरिवेटिव क्या हो गया, dt। सो i हमारा क्या बन गया, इंटीग्रल, x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू होगी t माइनस फोर, x की वैल्यू क्या होगी, t माइनस फोर अपॉन x प्लस फोर को क्या लिखेंगे, रूट ऑफ t, और dx की वैल्यू तो जस्ट dt है। क्या कैसे करेंगे इसको इंटीग्रेट, सेपरेटली डिवाइड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, सेपरेटली डिवाइड कर देते हैं, t अपॉन रूट t माइनस फोर अपॉन रूट टी डी टी, टी अपॉन रूट टी माइनस फोर अपॉन रूट टी डी टी, बताओ इसका इंटीग्रेशन बताओ। बता सकते हो, बच्चे इसको कैंसिल कर देंगे यहां से, न्यूमरेटर में टी की पावर हाफ बचेगा, माइनस इसको मैं t टू द पावर हाफ ही लिख देता हूं, t टू द पावर हाफ माइनस, यहां क्या हो जाएगा, 4 इंटू टी टू द पावर माइनस हाफ, फर्स्ट जो टर्म है t अपॉन रूट टी, इसको कट करते तो क्या बचता है, t बेटा उसके बिना तो होता ही नहीं, ऊपर ले जाते तो फिर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो बात तो एक ही है ना, ये रूटी होगा और ये फोर अपॉन रूटी को ये लिख देंगे। देखो जिस हिसाब से आप कह रहे हो, अगर वैसे करते हैं, आकाश कह रहा है कि टी माइनस फोर और इसको लेके जाओ टी टू द पावर माइनस हाफ डी टी, ब्रैकेट ओपन करो, क्या बनेगा, टी टू द पावर, यहां टी टू द पावर वन है, इंटू क्या आएगा इसके, टी टू द पावर माइनस हाफ, माइनस में फोर इंटू टी टू द पावर माइनस हाफ, ये ठीक है। अब ये क्या बन गया बच्चों, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, यहां पर क्या बनेगा, टी टू द पावर प्लस हाफ, क्योंकि यहां पावर वन है, यहां पावर माइनस हाफ है, बेस सेम में पावर ऐड हो जाएगी, माइनस में फोर इंटू टी टू द पावर माइनस हाफ, ठीक है। कैसे भी करो आप दोनों जगह सेम स्टेप पे पहुंचेंगे, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे कर सकते हो, करेक्ट। चलें आगे, अब करो इसका इंटीग्रेशन, कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, आई इज इक्वल टू, बताओ जरा, टी टू द पावर हाफ, क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, टी टू द पावर थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई थ्री बाई टू, जो क्या बन जाएगा,
2/3 क्या बन जाएगा 2/3 माइनस 4 टी टू द पावर माइनस हाफ, बोलो टी टू द पावर माइनस हाफ क्या होगा, पावर एक इंक्रीज करेंगे सो पावर हो जाएगी 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 करेंगे तो इंटू 2/1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो क्या बन गया अभी ये, दिस इज इक्वल टू 2/3 टी टू द पावर 3/2। बताओ इसका इंटीग्रेशन, सर इंटीग्रेशन तो कर चुके हम, टी की वैल्यू बताओ टी की जगह क्या डालेंगे, टी की जगह क्या डालेंगे x plus 4 रेज टू पावर 3/2 रेज टू पावर 3/2 माइनस 4 इंटू बताओ टी टू द पावर हाफ, क्या लिखेंगे टी टू द पावर हाफ को, अच्छा ये 2 भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो क्या बन जाएगा 8 टी टू द पावर, टी को लिखेंगे x प्लस 4 रेज टू पावर 3/2 प्लस सी। आप ऐसे ही छोड़ सकते हो या कॉमन लेना है तो कॉमन भी ले सकते हो, यहां पर आप करोगे ठीक है, हो सकता है पीछे कॉमन लिया हो, 2 कॉमन आ सकता है x प्लस 4 टू द पावर